यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हम देहरादून में खड़े हैं जहां पर सामूहिक श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया है। 7 दिन पूरे ये कार्यक्रम चलेगा। इसी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत यहां पर आप पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में। जी, खबरें अभी तक का ये बड़ा नए तरीके का प्रयास है सामूहिक भगवद गीता पाठ का, और मैं इस आइडिया के लिए खबरें अभी तक परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके सीईओ साहब को भी, चेयरमैन को भी, और जो यहाँ के ब्यूरो हेड हैं उनको, और आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने इंट्रोड्यूस किया। और सर जिस तरीके से काफ़ी ये पहल जो है की गई है उत्तराखंड वासियों के लिए, सामूहिक है, सभी को निमंत्रण दिया गया है, आप उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देंगे? लोग आए और श्री भगवत गीता का पाठ करें, उसका श्रवण भी करें। आप दोनों चीज़ें हैं कि इसमें भागीदारी है, एक तो आप केवल पाठ करते हैं, वेद व्यास पढ़ते हैं, और दूसरा ये है कि इसमें आप वेद व्यास उसका पाठ कर रहे हैं और आप उसमें भागीदार के रूप में हिस्सा बता रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, आप भी जो उसका पाठन कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं उसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी मैं भी उसका हिस्सा बनूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना सीएम, पूर्व सीएम हरीश रावत को, उनका कहना था कि ये भागीदारी है सभी की, क्योंकि सामूहिक भागवत गीता पाठ का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन तक पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज इसकी शुरुआत की गई है, कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई है और तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर पहुंची और उनकी ओर से कलश यात्रा निकाली गई और पूर्व सीएम हरीश रावत भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी सभी को यही संदेश दिया है कि श्रीमद् भागवत गीता का ये जो पाठ किया जा रहा है, सभी धर्म से जुड़े और एकता में बंधे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं नेहा वालिया, देहरादून, खबरें अभी तक।